यार सभी को लगा आपका है, वेट इसीलिए तो नहीं आया कोई। ड्रास्टिकली कम हो गया है वेट? मैं बहुत स्ट्रेस में रहा हूँ, बहुत जबरदस्त दिख रहा है, वो दिख रहा है, इट्स रिफ्लेक्टिंग। आप तो वीडियो में भी दिख रहा था स्ट्रेस, तो आपने वीडियो डाला ना, बड़ा जल्दी रिकवर हो जाएगा टेंशन। चले हम रोल करें पार्टी अरे ये लाइट 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 एक सेकंड ना, हेलो लाइट ये इनर्शियल वॉर्निंग की वाली बोलो ले लो साइड में दो ये रवि कितना होते सिद्धार्थ सागर सीसी आर्मन सिद्धार्थ सागर सीसी यार सच में चल शुरू कर दे रवि एक सेकंड ना, बस एक बार शर्मन को फोन कर दे। लाइट चालू कर दो प्लीज। अच्छा एक काम करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा शुरू करिए। मैं कहाँ से शुरू करूँगा, थोड़ा जो जहाँ जहाँ से काम चालू हुआ है उसके बीच में जो चीज़ें मेरे साथ हुई मैं सब बताता हूँ। उसके बीच में आपको जो भी क्वेश्चन लगता है पूछने वाला आप मुझसे पूछ, मैं बताता हूँ। बताइए कब स्टार्ट कब कर रहे हैं? हो गया? हाँ ठीक है भाई। पांडे इधर हो गया? हो गया, कनेक्ट हो गया। मैं यहाँ बता। हाँ जी सिद्धार्थ। हाँ मैंने जो वीडियो पोस्ट की थी जिसके अंदर मैं बोल रहा था कि मैं काफ़ी परेशान हूँ, ये चीज़ जो है ये परेशानी का दौर मेरा काफ़ी वक्त से चल रहा है, चल तो काफ़ी 4 साल से रहा है, बट इसके अंदर क्या हुआ कि मैं अपनी फैमिली को कभी भी इस चीज़ के आगे लाना नहीं चाहता था। कई कई मैटर्स ऐसे थे जो मैं चाहता था फैमिली के अंदर ही सॉर्ट आउट हो जाए, फैमिली के अंदर ही सुलझ जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा था। बिकॉज मैं 2012 में मैंने कॉमेडी सर्कस के अजूबे के लिए मैं आया था दोबारा, जबकि मैंने बहुत छोटे में आप मेरे शोज़ हैं कॉमेडी सर्कस चिंचपोकली टू चाइना, मैं छोटा सा था 13-14 साल का था मैं शोज़ करता था। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया था वापस, उस दौरान मैं बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया, जहाँ मैं दिव्य ज्योति जागृत संस्थान गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का मैं शिष्य हूँ, वहाँ पे मैंने आध्यात्मिक जागृति की तरफ बहुत ज़्यादा मेरा रुझान भी था और मैं वही कर रहा था, स्पिरिचुअलिटी की स्टडी करता था, स्पिरिचुअल एजुकेशन ही मेरी रही ज़्यादा। और उसमें मैंने अपने आप को कम से कम 2 साल का वक्त दिया, मैंने अपनी जितनी कॉमेडी थी वो मैंने महाराज जी के स्टेज पर सबसे ज़्यादा की। तो उस दौरान मैं छोड़ चुका था इंडस्ट्री, मैंने काम नहीं करना था दोबारा, तो मुझे महाराज जी ने अपने पास बुलाया और उन्होंने ही मुझे मुंबई भेजा था 2012 में कि तू हमारे स्टेज पे प्रैक्टिस करता है, तू जाके वहाँ पे परफॉर्म करेगा। तो महाराज जी के आज्ञा से उनके हुक्म की वजह से मैं इधर आया था काम करने आया मैं 2012 में आया कॉमेडी सर्कस के अजूबे, हम लोग जीते थे, कृष्णा सुदेश मैं, हम तीनों की तिगड़ी थी, तो वो शो जीते, कॉमेडी सर्कस के महाबली आया, बहुत सारे शोज हो रहे थे। उस बीच में मेरी फैमिली बहुत अगेंस्ट थी महाराज जी के, बिकॉज उनका दिव्य ज्योति जागृत संस्थान से दूर होना उनको था कि उनको डर लगता था मैं कभी संन्यास ना ले लूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे लिए मेडिटेशन ज़रूरी है, मैं अगर मेडिटेशन नहीं करूँगा तो मेरा ध्यान मेरा फोकस हिलता था ना, मैं अपने पेरेंट्स को समझाता था कि मेरे लिए ज़रूरी है मैं मेडिटेशन करूं, ये मेरी चॉइस है, मुझको जाना है वहाँ पे, मेरे लिए ज़रूरी है वो। और मेरे पेरेंट्स को धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मेरे घर में झगड़े इस बात को लेके होने लगे कि उनकी इनसिक्योरिटी ये थी कि किस दिन संन्यास ले लेगा, और वो सब अजम्पशन था उनका। उस अजम्पशन में उन लोगों ने अचानक एक दिन न्यूज़ आई कि महाराज जी समाधि में, और मुझे कुछ दिन बाद ना बहुत लो फील होने लगा, मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो कॉमेडी क्लासेस तब से शुरू हुआ था उस टाइम मुझको ये फील होने लगा मैं बहुत लो हो रहा हूँ, मतलब बॉडी में एनर्जी कम लग रही है, मैं मोटा हो रहा था, बहुत मोटा हो गया था मौसी का रोल जब मैं कर रहा था, मुझे मेडिकेशंस पर डाल दिया था, मुझे बिना बताए बाइपोलर डिसऑर्डर की मेडिकेशंस दी गई जिसमें मैं सेडेट रहता था, उसको ख़त्म करने के लिए मैं कॉफ़ी शॉट्स पीता था सेट पे जाने से पहले, मैं कॉफ़ी शॉट्स पी रहा हूँ उसका असर कम करने के लिए, और मैं इतना स्लर होने लगा था मेरा स्पीच, जिसके दौरान मैंने डिप्रेशन, बहुत अजीब सा फेज़ आया डिप्रेशन का, वो गोलियां जैसे ही नहीं लूँ तो मुझे डिप्रेशन महसूस होता था, मैं डिप्रेशन फील करने लगा। फिर मेरे पेरेंट्स को एक दिन मैंने बोला मुझको बहुत लो फील हो रहा है और मुझे अजीब लगता है, तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने बोला कि हम आपको बाइपोलर डिसऑर्डर की गोलियां देते हैं,
और जब उन्होंने बोला कि आपको बाइपोलर की गोली देते, तो मेरे मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि मुझको आइडिया नहीं था कि मुझे बिना पता चले, क्योंकि मैं रात को घर में सो रहा हूँ और फादर मेरे जूस का ग्लास ला रहे हैं, 3 बजे रात को छुट्टी से लौटा हूँ, खाना आ रहा है और मुझे उस दवा मिला मिला के खाने में दे रहे हैं। वो टाइम हुआ, फिर मुझे इस बात पे यकीन दिलाया गया कि सिद्धार्थ तुम्हें बाइपोलर है, इट्स ये डिजीज़ है, इसमें आपको एक्सट्रीम मूड स्विंग होता है। पर मेरे को मूड स्विंग होता ही नहीं, मैं खुश ही रहता हूँ, मुझे लो फेज मेरा आया ही नहीं कभी लाइफ में। और उस दौरान वो दवाइयों, जब से वो दवाइयाँ छोड़ी, मैं लो फेज में चला जाता था, फिर हाई फेज आता, फिर लो, और उसकी वजह से फिर मेरा ये हुआ कि मेरे पेरेंट्स, मेरी जो मदर है, मेरे फादर और मेरी मदर कम से कम 20 साल से साथ नहीं रहते हैं वो लोग आपस में, उनके रिलेशंस नहीं है ठीक। और मैं कभी भी नहीं चाहता था ये बात मैं सामने लाऊं, जब तक मैं परेशानी की कि ऐसी स्थिति में नहीं चला गया जहाँ मैं, जब मुझे, मैं चाह के भी काम नहीं करना चाहता पर मुझे करना पड़ा। मेरी मदर जो है, वो सिंगल, बीइंग अ सिंगल पेरेंट, मैं सोचता था कि मेरी मदर को मैं नहीं समझूंगा, कौन समझेगा। और मेरी मदर को मैंने बोला कि अगर, क्योंकि मैं 14 घंटे शूट कर रहा हूँ, 18 घंटे शूट कर रहा हूँ और मैं वापस आ रहा हूँ, वो एक ऐसी है कि वो अकेली घर में है जानवरों के साथ, वो उनका ध्यान रख रही है, मेरे लिए खाना बना रही है, मेरे कपड़े तय करती है, सारा दिन मैं जाता हूँ वो वर्कर्स को लेके, सारा दिन उन्हीं के साथ रहना। तो मुझे लगा था मेरी माँ कहीं परेशान भी हो सकती है, तो मेरी मदर अक्सर, मैं उनको बोलता था आप, वो सोशल बहुत ठीक थी, सोशली एक्टिव थी, फेसबुक भी करती थी, तो मुझे अच्छा लगता था घर में पहुंचता था। बट एक मैं आपको बताता हूँ, मेरी मदर के अलावा मेरे सबसे अच्छा दोस्त मेरी मदर थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में उससे ज़्यादा प्यार किसी को किया ही नहीं, और मुझे उम्मीद नहीं थी ये चीज़ें इतनी गड़बड़ हो जाएंगी मैं अपनी मदर के लिए, क्योंकि मेरी दोस्ती भी ऐसा कि मैं घर पहुँचूँ और मेरी एक ही दोस्त मेरी मदर, मैं उसके साथ बैठ के बातें कर रहा हूँ, उसी के साथ, कोई सोशल सर्कल इतना था नहीं, 4-5 दोस्त थे, वो भी, उनको भी आधे में छोड़ जाता था, यार मम्मी अकेली है जाना पड़ेगा, चला जाता था। धीरे धीरे मेरी मदर से मुलाकात हुई, तो मेरी मदर की किससे मुलाकात होती थी, मैंने वो मेरी चॉइस थी। मैंने मेरी मदर को बोला कि अगर आपको अकेलापन महसूस होता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप एक रिलेशनशिप में जाते हो। मैं कहा आप रिलेशनशिप में जा सकते हो बिकॉज मैं एक बेटा हूँ और कुछ टाइम बाद शायद मेरी अपनी लाइफ होगी। मुझे लगता था कि आप अभी उनकी लाइफ होनी ज़रूरी है। उस आदमी का घर में आना भी मैंने एक्सेप्ट किया, वो आता था, बैठते थे हम लोग, बातें करते थे और बहुत सब कुछ ठीक ही था। एक आदमी आया फैमिली रिलेशंस में, मैं पैसे ने, मैंने आज तक कभी अपनी मदर को ये नहीं पूछा कि अमाउंट क्या, ये अमाउंट क्यों चाहिए। मेरी मदर को मैं ब्लैंक चेक से ही साइन करके जाता था और मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती थी, मेरे पास जो डेबिट कार्ड रहते थे वो मेरी मदर के नाम के रहते थे, ताकि मैं स्वाइप करूँ तो उनके पास डिटेल चली जाए। तो वो फ़ोन करती थी, 8,000 रुपये कहाँ खर्चे, 10,000 कहाँ खर्चे, तो मेरे दोस्त हंसते भी थे और बोलता था यार अच्छा लगता है मुझको कि मेरे पास कोई है जो मेरी खबर लेता रहता है हर थोड़ी देर। मेरे दोस्त भी मेरी मदर को अच्छी तरह जानते थे कि घर में आना जाना था, बट वो अक्सर कहते अरे यार तेरी मम्मी का फ़ोन आएगा तो चला जाएगा। मदर का पैसों को लेकर कुछ अजीब सा, और मेरी मदर को मुझे डिस्टर्ब लगने लगी थोड़े थोड़े टाइम के बाद। एक दिन मैंने पूछा मम्मी उसका, मैंने घर लिए थे कुछ, मैंने घर का बोला ये पेमेंट देनी है, बोलती पैसे तो है ही नहीं। मैं कहाँ गए पैसे, तो बोली उल्टा तुम सवाल कैसे पूछ सकते हो मुझसे जब आज तक नहीं पूछा। मैं कहा मम्मी बहुत बड़ा अमाउंट देना है मुझको, ये अमाउंट गया कहाँ। तो पता चलता है कि तुमने जो प्लॉट लिया था दिल्ली में, हाँ मैं कहा वो 80 लाख रुपए, तो पता चला वो प्लॉट के दिए कुछ 1 करोड़ रुपया, 80 लाख रुपए वो दिए और वो आदमी गायब हो गया। अब वो छोड़ के कहीं और चला गया, वो पैसे गायब हैं, चीज़ें इतनी गड़बड़ा रही हैं कि लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। और मैं मदर को बोल रहा हूँ कि आप शांत रहो, मैं सब करूँगा, आप टेंशन अब तक भी करा है आगे भी करूँगा। महाराज जी की तरफ से मैं एकदम दूर कर दिया गया पेरेंट्स, क्योंकि वो जो बाइपोलर की मेडिसिन थी, मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रहा हूँ, ध्यान ही नहीं लग रहा है। और मैं ऐसा इंसान था जो 4 से 5 घंटे ध्यान करता था। जब मैं दिल्ली में आश्रम में रहता था, मेरा मेडिटेशन 4 to 5 hours रहता था, वहीं पर रहना, सेवा करना। वो उस लाइफ से एकदम ही अलग एक लाइफ आ गई, जहाँ पर एक ऐसा पॉइंट, मुंबई में काम करते करते जब तक रहा महाराज जी की गाइडेंस में, बहुत अच्छा चल रहा था। फिर मम्मी ने उस टाइम मेरे को एकदम दूर कर दिया,
मैं दूर हुआ नहीं, फिर भी नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी डिस्टेंस आ गया। मैं जो 100% मेरा डिवोशन था वो कहीं ना कहीं 30% रह गया, इतना मैं दूर हुआ। अब मेरा वो सेरेनिटी डिस्टर्ब हो रही थी, मैं घर जाऊँ तो मम्मी को, मम्मी का फिर एक बारी कुछ डिस्टर्ब लगी, मेरी मदर और एक और आदमी से मेरी बातचीत हुई, तो मैंने मेरी मदर को बोला कि, उस आदमी को भी मैंने घर में बोला कि देखो मेरी मदर अकेली है, वो परेशान है, आप अगर मेरी मदर को 1.5 साल से जानते हो तो प्लीज़ मेरी मदर डिस्टर्ब्ड है, उनको प्लीज़ इतना कुछ गलत मत करना आप, अब एक मैं कमिटेड रिलेशनशिप चाहता हूँ मेरी मदर के लिए भी, और मैं चाहता था कि कोई धोखा कुछ किस्म का कुछ मेरे लिए भी हैंडल करना मुश्किल, मेरे फादर दिल्ली रहते थे, और दो मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ पे शायद 40-50 हज़ार रुपये महीना कमाया जाता था, और दिल्ली में मेरे मदर और फादर पेंटिंग करते थे, आर्टिस्ट थे, और मैं 13 साल की उम्र से ऐसा काम करता था कि 14 साल की उम्र में मैंने रेस्टोरेंट के लिए प्लान किए, मैं दिल्ली में रेस्टोरेंट था मेरा नुक्कड़ भुक्कड़ के नाम से, हम लोग वहाँ मैं खाना बनाता था, मैं तो मैंने वर्कर्स रखे थे, मैं बहुत ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ पे मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना इस लेवल पे आऊँगा, तो वो मेरी मेरी लाइफ में मैंने अपना पहला अहदा हमेशा महाराज जी को दिया, बिकॉज उन्होंने मुझे मुंबई भेजा। अब ये आदमी आया, इसने आके मुझे आधी रात को घर से निकाल दिया, उस घर से निकाला जिस घर में मैं रहता हूँ, उसका घर बिक गया, मुझे पता ही नहीं चल रहा है, मैं कह रहा हूँ मम्मी क्या हो रहा है, तुम अपना दिमाग मत चलाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता क्या चालू है, मैं कहा मेरी यही प्रॉब्लम, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा क्या चालू है, और सारे पैसे गायब हो रहे हैं, मदर मुझे कुछ बता रही है हो कुछ और रहा है, फादर मुझे कुछ बताते हैं होता कुछ और है, मुझे आधी रात को घर से निकाल दिया, ना मेरी मदर मेरे साथ है, 2 महीने तक खबर नहीं ले रहे, मैं एक ऐसा टाइम है शायद मैं कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे जो मुझे जानते हैं उस टाइम जिन्होंने मुझे देखा है, मैं गाड़ी में सोया हूँ, मैंने पहली गाड़ी खरीदी, कुछ टाइम बाद मुझे घर से निकाला तो मैं सिर्फ आधी रात को गाड़ी लेके निकला, मैंने वो घर पर सब दे दिया, मैंने मदर को बोला अगर आपको लगता है कि आपके साथ ये आप लोग दोनों सही रह सकते हो मुझे आगे लाइफ में डिस्टर्ब मत करना, मैं निकल गया गाड़ी लेके, और मेरे से कोई बातचीत नहीं हो रही थी, मैं भी डिस्टर्ब हुआ, मैं फिर वापस गया घर मिलने, मेरी मदर का वो रिएक्शन आना मेरे ऊपर, क्योंकि उनकी उस व्यक्ति से लड़ाई है तो वो मेरे पर रिएक्ट होती थी, और मैं अजीब फ्रस्ट्रेशन में चला गया, मैं किसी दोस्त से, ये मैं आपको बताता हूँ, ये रीसेंट इंसिडेंट है अभी वाला, तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे भी मिडिल का इंसिडेंट बता रहा हूँ, हाँ लास्ट ईयर का मेरे, तो मेरा जो व्यक्ति था उससे रिलेशंस इतने ख़राब हो गए कि मैंने बोला कि अगर आप लोग साथ रह सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं मैं चला जाऊँगा, मैं बट फिर भी मेरी मदर से मेरी बातचीत होती रहती थी, कुछ पैसे चाहिए होते थे, कभी मेरे फादर कॉल आता था आधी रात को कि बेटा यहाँ पे EMI है कुछ लोन्स हैं ये करने, तो मैं वो पैसे पहुँचा देता था, धीरे धीरे करके पता चलता है कि मेरे पैसे सारे गायब हो गए, और मेरे पास डेबिट कार्ड भी मेरे रख लिए जाते थे, उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं, मैं पैसों के लिए लड़ रहा हूँ कि मेरी माँ मुझको ये पैसे चाहिए, अभी मेरा काम है मुझे यहाँ क्यों चाहिए, हर चीज़ पर सवाल खड़े, और वो मुझे पता है मेरी मदर ये सवाल नहीं पूछ रही है, और लोगों का इंटरफेरेंस जो कर रहा है, मैं बताता हूँ मेरे एक ही फादर हैं, ये लोग जो हैं मैं अपनी मदर को अकेलेपन में देख के मैंने ये रिलेशनशिप्स के लिए मेरी मदर को हाँ बोला था कि ठीक है मेरी मदर शायद अब अकेला लाइफ, उनको इनसिक्योरिटी है कि सिद्धार्थ की भी शादी हो जाएगी वो चला जाएगा, और मैं इतना नहीं सोचता हूँ कि मेरी शादी क्या, मैं क्या सन्यासी हो जाएगा, मेरी मदर कुछ ज़्यादा सोच रही हैं, ओवर सोच रही थी, और उनकी उस सिक्योरिटी में सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मुझे कर दिया उन्होंने, क्योंकि कोई आ रहा है आधी रात को घर से निकाल रहा है, इतना मैं इनसिक्योर, इतना अकेला, इतना आइसोलेट कर लिया मैंने अपने आप को कि मेरे अच्छे दोस्त जो मुझे बहुत गहरे तौर पे जानते हैं वो लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं सिद्धार्थ कहाँ हैं आ जाना मिलने, नहीं नहीं भाई मैं नहीं आऊँगा, सिद्धार्थ घर पे लेने आ गए हैं नीचे अपने घर पे बोल रहे हैं हमारे यहाँ रुक जा, मैं नहीं नहीं भाई मैं हूँ मेरे इधर है घर लिया है, मैंने कुछ नहीं लिया था, हकीकत ये मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं किसी को डिस्क्लोज ही नहीं करना चाहता मेरे साथ क्या चालू है, मुझे लग रहा था धीरे धीरे करके सॉल्व होगा मैटर, उनका फ़ोन आ रहा है कि सिद्धार्थ चलना मिलते हैं राजा कोई बात नहीं परेशान है मिलते हैं, उस दौरान मेरे मैं इतना अकेला हुआ कि मैंने सब्सटेंस यूज़ करना शुरू किया, सब्सटेंस मैं यूज़ कर रहा था, और वो जो सब्सटेंस मैं यूज़ कर रहा था वो मैं एडिक्टिव हो गया उस चीज़ को लेके, मैं इतना अकेलापन था
कि मेरे लिए उसको भी छोड़ना मुश्किल। मैंने उसको टेम्प्रेरी फेस के लिए मेरे को किसी ने यूज़ करने के लिए कहा। मेरी पर्सनैलिटी एडिक्ट की है, मेरे ट्रेट्स जो है एडिक्टिव पर्सनैलिटी, और वो बचपन से मेरे को मिला ही है, क्योंकि मैं जिस तरीके से काम करता था वो एक एडिक्टिव ही है कि 14 घंटे 18 घंटे 20 घंटे मैं कर लूँगा, बट मैं नेचुरल काम करता था। उस दौरान मैंने सब्सटेंस यूज़ किया और मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया, और मैं घर गया एक दिन, मैंने अपनी मदर को जाके दिखाया कि मैं ये सब्सटेंस यूज़ करता हूँ और मैं इस चीज़ से निकलना चाहता हूँ। तो मेरी मदर देख के मुझे रोने लगी, बोली तो तुमको क्या क्या करना चाहते हो? मैं कहा मैं इससे निकलना चाहता हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं हार गया हूँ अपने इस दिमाग से, परेशान हूँ, मैं अकेला पड़ गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अकेला हूँ। मेरे को रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा, मैं गया, मेरा वहाँ ट्रीटमेंट के लिए गया, 3-4 दिन मेरा ट्रीटमेंट हुआ। मैंने कहा मुझे मेरी मदर से सिर्फ बात करनी है, बात की। उन लोगों ने मुझको इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया, मेरा सर दीवार में मार दिया, मुझे 4-4 लोग एक साथ मार रहे हैं। मुंबई में रिहा, और मैंने अपनी मदर को कभी अकेला नहीं छोड़ा है। मैं एक अकेलेपन के ऐसे दौर से निकला हूँ ना जहाँ पे मैं चाहता था मैं अकेला, मुझे उस जगह से भी तोड़ दिया जहाँ से मुझे सबसे ज़्यादा मैं मेंटली फिट रहता था, मैं आध्यात्मिक था, मैं दिव्य ज्योति जगह संस्थान से जुड़ा हुआ था, मुझे उनका ऐसा सपोर्ट था कि मैं मेंटली कभी डिस्टर्ब हुआ ही नहीं, मैंने इतने काम संभाले। मुझे ऐसा अकेला छोड़ दिया कि मैं, मुझे वहाँ पर 3 दिन मार रहे हैं, जो हाथ में आ रहा है उससे मार रहे हैं, मुंह से खून निकल रहा है। किसी तरह 1 महीने बाद मेरे मैनेजर्स से कनेक्शन हुआ, उन्होंने मुझे वहां से खींच के निकलवाया। किसी तरह 1 महीने बाद मैं वहां से निकला, टुडे आई एम रियली शैटर्ड। मैं बताता हूँ, मेरा मैं सब्सटेंस यूज़ कर रहा, मैंने अपनी मदर को खुद बताया, क्योंकि मैं उस चीज़ से बाहर आना चाहता था। मैं बाहर आया रिहैब से, रिहैबिलिटेशन से बाहर आया, मैं रिहैबिलिटेशन सेंटर से निकला, मैं निकला और बाहर आया तो वो व्यक्ति दोबारा मुझे मिलता है। सब कुछ बिक गया था तो मेरे को, मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, दोबारा बनाएंगे, मेरे को क्या, मैंने कहा मम्मी जो लोग मुझे जानते हैं जिनके साथ मैंने काम किया है उनको दोबारा, उनके दोबारा फ़ोन आए, सिद्धार्थ हम ऐसे ऐसा अवार्ड फंक्शन, मेरी एक वीडियो है, मैं रिहैब से निकला हूँ और मैं जी एंटरटेनमेंट अवार्ड्स अभी जो लेटेस्ट हुआ वो, मैं रिहैब से निकला हूँ, गाड़ी मुझे रिहैब के ड्रॉप किए, मैं अंदर अवार्ड फंक्शन किया है और मैं वापस उस रिहैब में गया हूँ। तो मैं, क्योंकि मेरे मदर को पैसे की ज़रूरत पड़ रही थी, तो मैं फटाफट गया, शूट करा, वापस रिहैब गया, फिर बाहर आया, फिर एक कोई इवेंट था वो किया, फिर मैं वापस चला गया। और मेरे लिए था कि मेरी अभी फैमिली ही इंपॉर्टेंट है और मेरी हमेशा वही रहे। फिर मैं वापस आया, बाहर आया तो वो व्यक्ति, उसका नाम सुयश गाड़गिल है जिसकी मैं अब बात कर रहा हूँ, ये इंसान, मैं बाहर आया तो मुझे हमने बंगलो लिया था एक, मैं वहाँ रहता था, इसने दोबारा मुझको घर से बाहर निकाल दिया। आधी रात को मैं किसी मीटिंग के लिए था, मैं मैनेजर्स के साथ था अपने, मैं मीटिंग के लिए था,
और उसने पता नहीं, मैं घर पहुंचा तो मैंने कहा क्या हुआ आप, कहते तुम्हें पूछ रहे हैं कहाँ हो, मैंने कहा मैं उधर ही हूँ, उधर ही था। बोलते हम वहाँ हो क्या है, मैंने कहा वो जगह बंद नहीं होती है, मैंने कहा आप 4 बजे तक भी जाओगे तो सीसीडी खुला रहता है, जुहू पे था मैं। मैंने कहा आप अभी भी चलोगे मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरे पेरेंट, शायद मेरी ये गलती थी कि मैंने अपने आप को बिल्कुल अकेला रखा, मैं अपनी मदर का ही होके रहा, तो मैं आज बिल्कुल ही अकेला पड़ गया। मैं उसको बोला, मैं कहा तुम्हें अगर प्रॉब्लम है, मैंने बोला तुम्हें प्रॉब्लम है तो अभी चल के देखते हैं। रात को घर में लड़ाई होनी शुरू हुई, मैंने घर छोड़ दिया। मैंने कहा कि अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है मैं घर से चला जाता हूँ, आप लोग रह लो। बोलता हाँ ठीक है। मैं गाड़ी लेके निकला और उस टाइम मेरे मैनेजर्स जानते हैं कि मैं कैसा था, कि एक हफ्ता मेरा बहुत बहुत अजीब डिप्रेशन में। मैंने फिर दोबारा कनेक्ट किया, स्वामी जी को फ़ोन किया, मैं कहा स्वामी जी मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, महाराज जी इज़ इन अ स्टेट ऑफ समाधि, तो अभी मैं उनसे फिजिकली तो कनेक्ट नहीं हो सकता, उनसे बात नहीं कर सकता। फिर महाराज स्वामी जी ने बोला आप ध्यान करो सिद्धार्थ, सब ठीक हो जाएगा। और वो एक हफ्ते के बाद दोबारा ध्यान शुरू किया, मैं दोबारा नॉर्मल होने लगा। मेरे पास दोबारा शोज, मैं एक नया नया शो ला रहा था कॉमेडी क्लासेस सीजन 2 का, आपको मालूम होगा उसके बारे में। वो जो शो था उसके लिए बहुत से अच्छे लोग जुड़े, मैं आज उनको भी जवाब, उनको भी शायद ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, उनको भी लगा अचानक मैं गायब कहाँ हुआ, बिकॉज उन्होंने, मैं उस टाइम उनके कुछ कितनी स्क्रिप्ट्स में हम लोगों ने बनाई, इतनी तैयारी कर दी, जगह बुक कर ली, सेट की तैयारी हो रही थी, वो लोग भी आज कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हैं, वो लोग भी पता कर रहे हैं कि सिद्धार्थ गया कहाँ। बहुत से लोग जो मुझे जानते हैं, कुछ क्लोज हैं, कुछ सब लोगों ने बहुत मेरी इस बार इस वक्त मदद की। हुआ क्या कि मैं तैयारी कर रहा था, मेरी मदर का फ़ोन आया, कुछ पैसे भिजवाए 15-20 हज़ार रुपये, तुम्हें पैसे चाहिए थे ना। मैं कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए थे पैसे, अभी हैं मेरे पास। नहीं, रख लो। मैं कहा मम्मी इससे कुछ हो गया नहीं इस अमाउंट से, मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें 15-20 हज़ार कुछ नहीं है, मैं कर लूँगा, आप टेंशन मत। फिर पैसों का कुछ कुछ मेरे को वो भेजते रहे, वो जो मुझे अमाउंट आता था उस ट्रांजेक्शन की फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सअप करते थे, फिर व्हाट्सअप करते थे। तो मेरे को ये इंट्यूशन लग रहा था कि ये नॉर्मल चीज़ नहीं हो रही है। जिन्होंने मेरी 2 महीने से खबर नहीं ली है कि मैं ज़िंदा हूँ या नहीं, वो आज मुझे, अभी आपको याद होगा दिसंबर से पहले कुछ 2 महीना, मैं 3 महीना इंस्टा पे सुपर एक्टिव था, रोज़ पोस्ट करता था, रोज़ पोस्ट। उस टाइम मैं, क्योंकि फैमिली से अलग हो गया था और मैंने ये सोच लिया था कोई बात नहीं मेडिटेशन के दौरान कि शायद उनको लग रहा है ना मैं अपनी लाइफ दोबारा स्टार्ट करूँगा। इस दौरान इन्होंने मेरे को बोला कि सिद्धार्थ हमें गाड़ी चाहिए, तो मैंने गाड़ी को गाड़ी के लिए पैसे चाहिए थे, तो मैंने इनको जाके मेरी गाड़ी जो थी वो मैंने उनको दी, हैंड ओवर की जिस आदमी को गाड़ी दी थी, उसने मुझे पैसे ही नहीं दिए। तो वो, मैं सामने सामने बैठा हूँ ऐसा गाड़ी में, जो बंदा खरीदने आया वो ऐसे बैठा है, अचानक वो उसका फ़ोन बजता, मेरे फ़ोन बजता है, अच्छा मैडम उतना अमाउंट नहीं देना है, अच्छा, मैं कम देता हूँ। मैं मदर को कॉल की, मैं कहा आप की अमाउंट नहीं दे रहा मेरे को, कहती तुम रुको रुको मैं बताती हूँ। उसने कुछ बहुत ही कम अमाउंट दिया, मैंने कहा ये क्या है, मैं कहा ये तो, मैं वहाँ से निकला, मेरे एक फ्रेंड है अंकित, अंकित के साथ मैं गोवा गया था, उन्होंने कहा था सिद्धार्थ रिलैक्स कोई टेंशन ही नहीं हम लोग घूमने चलते हैं। मैं गोवा से वापस आया, मेरा इन लोगों ने पिकअप करवा दिया, मैं इन ऑर्बिट मॉल तक, किसी से, किसी का फ़ोन आया कि हम भाई आपका प्रॉपर्टी का जो मैटर था उसके कुछ पेमेंट्स हैं। मैं मिलने गया, वो 5 लोगों ने मुझे पकड़ा और गाड़ी में डाला और भर के मेंटल असाइलम ले गए, मेंटल हॉस्पिटल। ये बात है दिसंबर की, दिसंबर 3rd, या मेरा पिकअप मुझे याद है नवंबर एंड दिसंबर 1st वीक में मेरा पिकअप हो गया। ये है जी, मैं 1 महीना वहाँ था, इस जगह का मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकता, बट हाँ मैं ले जाया गया वहाँ पे, और वहाँ पे मुझे बाइपोलर की मेडिसिन पे रख दिया, मुझे बाइपोलर की मेडिसिन पे फिर दोबारा डाल दिया। मैं दोबारा वो चीज़ फेस करने लगा, मैं दोबारा उसी, मैं उस जगह पहुँचा हूँ जो लड़का मेरे साथ उस बेड सामने मेरे वार्ड में है, एक रात पहले अच्छी बात कर रहा है कि अरे आपको मैंने देखा है टीवी पे, मैं आपका फ़ैन हूँ, सब कुछ बात कर रहा है, आप इधर कैसे।
मैं कुछ बता ही नहीं रहा, मैं कहूँगा यार कुछ है फैमिली इशूज़ है। वो लड़के से मैं अगले दिन मिलता हूँ, उसके मुँह से थूक टपक रहा है, उसको ECD दे दिया। मैं ये माहौल से इतना घबरा रहा हूँ, मैं क्योंकि मैं क्रिएटिव आदमी हूँ, मैं इतना डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मैं सोचूँ कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। ECD दे दिया उसको मेरे सामने। मेरा एक महीना इतना परेशानी में गुजरा, मैं भागने की सोचता था, मैं डर, मैं समझता, मेरे को समझ में नहीं आता था मैं करूँ क्या, एनर्जी खत्म, मैं सारा दिन सिर्फ पढ़ा हूँ, मैं पढ़ा हूँ पढ़ा हूँ। फिर एक दिन मेरी मदर मुझको वहाँ से, मेरे को आता है कॉल नीचे कि आप नीचे आइए, आपका डिस्चार्ज है। मैं उसमें भी खुश हो गया कि शायद मेरी मदर मुझको लेने आ गई, इनको गाड़ी बेचनी थी शायद, इसलिए इन लोगों ने डाल दिया। मैं नीचे उतरा, मेरी मदर मिलने आई, आते ही चिल्लाना चालू, मैं बाहर निकला हूँ रिहैब से और चिल्ला रहे हैं, वो इंसान भी खड़ा हुआ है अभी कि तूने ये करा, तूने वो बवाल काटा। मैं देख के सिर्फ समझ ही नहीं आ रहा है फिर क्यों चढ़ रहे हैं, अभी तो मैं करा ना, जो करा आपने करा, अपनी मर्जी से करा। उसमें मैं कह रहा हूँ मेरी मदर मुझको जो बोलेगी मुझे मंजूर है, ये कौन होती, मैं पूछ रहा हूँ कि तू कौन है मुझे कुछ बोलने वाला, ये मुझे थप्पड़ भी मारेगी मैं खाऊंगा, आप भी खाऊंगा, तू कौन है, तू है कौन, मुझे जानना है तू मेरे रिलेशन में क्या है। और उस दौरान बाहर खड़े हैं मिराज सर और 5-6 लोग, और मैं समझ गया मेरे एक और पिकअप प्लान किया हुआ। मैं इतना इतना टूट गया, मैं इतना टूट गया कि मेरे को लगा कि अब मेरा दोबारा, मेरी इच्छा भी नहीं थी अब कुछ दोबारा करने की, बहुत अजीब हो गया था। घबरा 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 के प्रॉपर्टी पे अंदर मुझे बोल, मैं आपको साइन करने के लिए पेपर्स लेंगे, आपको साइन करना है। मैं कहा मैं नहीं करूँगा, प्रॉपर्टी पे साइन के लिए, गाड़ियाँ बेचने के लिए, घर के पैसे, इतने पैसे देने के बाद भी और कुछ पैसों के लिए मेरे इतना बुरा हाल किया कि मैं अंदर से पागल हो गया था। व्यक्ति रहता उस, मेरी मदर आज कुछ अजीब हो गई है। मेरी मदर बहुत ओवर पोजेसिव नेचर है, बहुत ओवर पोजेसिव। मैं किसी मेरे कोस्टार्स के साथ काम करता हूँ, उनको कोई बर्दाश्त नहीं, लड़का बर्दाश्त नहीं, लड़की बर्दाश्त, और ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, वहाँ हम सब दोस्त होते हैं, हम लोग कितने लोग जेल होते हैं आपस में, कितने लोग हम अच्छा काम करते हैं, कितने अच्छे हमारे रिलेशंस होते हैं। रिलीज करवाया और निकाल के मुझे इधर भेज दिया इनके पास। अब मैं इनके पास गया, मैं 10 दिन, मेरी पहली मुलाकात हुई तो बशीर सर अंदर बैठे हुए थे। हाँ जी, मैं पूरा बताता हूँ। बशीर सर की फाउंडेशन है आशा की किरण फाउंडेशन। मैं मम्मी को गाड़ी में बैठ के पूछ रहा हूँ, आप मेरे को क्यों, अगर आपको मेरे को डालना ही है, डाला हुआ है ना अभी, आप मेरे को कहाँ क्यों शिफ्ट करा रहे हो। कहती बेटा ये महंगा बहुत है, यहाँ पे 1 लाख रुपए जाते हैं महीने के। मेरे हर स्टेटमेंट में मेरा दिल टूट रहा है कि यार मैंने इतना कमा के किया, आज इतने इतने रुपये के लिए मेरे साथ ये कर रहे हैं। मैं कह माँ मैं कर दूंगा, आके दूंगा पैसे, मुझको कमा के दूंगा पैसे, दोबारा चाहिए ना मुझको यहाँ से जाने पे। फिर मुझे गाड़ी में भरा, मुझे मैं सर के पास आया, मेरी मुलाकात हुई सर अंदर बैठे हुए थे। सर बोलते कि क्या हुआ, नशा किया? मैं कहा नहीं सर नशा नहीं किया। अच्छा क्या हुआ? मैं कहा सर कुछ चीज़ें हैं फैमिली से रिलेटेड, मैं किसी को नहीं बोल पाया अब तक, मैं आगे भी नहीं बोल पाऊँगा। ठीक है कोई बात नहीं, तुम एक तो टेंशन मत लो, बोले टेंशन मत लो, फैमिली इशू है। कहते ऐसा मत समझो, ये सिर्फ रिहैबिलिटेशन इसी के लिए, तुम अशांत रहो। मैं 10 दिन वहाँ बहुत अजीब डिप्रेशन में वहाँ भी, पर वहाँ कुछ कुछ एक महीना रहा, अलग पॉजिटिविटी, अलग प्रोग्राम, प्रोग्राम से भी ज़्यादा एक बड़े भाई का साथ, और वो अकेलापन एक शील्ड है आज मेरे पास। मैं बताता हूँ, आशा किरण फाउंडेशन के फाउंडर और हेड हैं बशीर कुरैशी सर, मिराज भाई, जिन्होंने उस टाइम मेरे को बहुत काउंसलिंग की। मेरे पेरेंट्स से जब बात हुई तो इन्होंने केस मेरा पूरा पूरा केस खोला, वो ज़्यादा बेहतर सर बताएंगे क्या चीज़ें थी, वो सिचुएशंस क्या थी। सर आप प्लीज़ थोड़ा बशीर सर आप बताइए।
आए तो क्या सिचुएशन थी इनकी और क्यों इनकी मॉम ने आपको ही क्यों कंसर्न किया और क्या कहा था जब आप लेने आए थे? एक्चुअली सिद्धार्थ सागर की केस दिसंबर में मेरे पास आई थी, आई थिंक 25 दिसंबर। तो उस वक्त मुझे कॉल आया कि 25 दिसंबर को कि सिद्धार्थ सागर एक पेशेंट है, इन्हें आपके पास एडमिट करना है। तो मुझे नहीं पता था सिद्धार्थ सागर ये है, उन्होंने खुल के नहीं बताया था। तो इनकी मम्मी और जो बंदे का सिद्धार्थ नाम ले रहे हैं वो मेरे पास आए हुए थे, मैंने उनसे मुलाकात की, मेरे डॉक्टर्स काउंसलर, हमने बातें की उनसे। उन्होंने कुछ ऐसे बताया कि सिद्धार्थ पागल हो गया है, ऐसे एक मेरे सामने बातें रखी कि सिद्धार्थ एसी तोड़ रहा है घर में, तोड़ी होगी शायद, तोड़ा था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि सिद्धार्थ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, प्रॉपर्टीज़ बिक गई है, ऐसी सारी चीज़ें बताई गई। तो एक्चुअली मेरा काम है कि जो भी आता है मेरे पास मुझे उसकी हेल्प करनी है। तो उन्होंने खुल के बताया कि ये वो सिद्धार्थ सागर है जो कॉमेडी करता है, आपने देखा होगा। तो मैंने सर्च किया, देखा गूगल में, तो सिद्धार्थ सागर मैंने देखा, यार बहुत अच्छा बच्चा है, मेरा फेवरेट रहा है। तो मैंने काउंसलर से बात की, काउंसलर ने कहा ठीक है हम लोग लेते हैं। 31 दिसंबर को सिद्धार्थ को हमारे यहाँ पर लाने की बात हुई उस रात। मैं एक ऐसा फाउंडेशन चलाता हूँ जहाँ किसी के पास पैसे हो किसी के पास ना हो उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो वहाँ पर पैसे की कुछ भी बात नहीं हुई, जो भी नॉर्मल फीस है वो देंगे, मैंने बोला ठीक है। तो सिद्धार्थ को लाया गया हमारे यहाँ पर 31 दिसंबर को, सिद्धार्थ से मैंने बात की तो नॉर्मल था, जबकि मुझे बोला गया था कि ये बाइपोलर है। बाइपोलर की फीलिंग्स अप डाउन्स होती है, मैं इतने साल से आज ये काम कर रहा हूँ मुझे पता है। तो मैंने 10 दिन ऑब्जर्वेशन में रखा सिद्धार्थ को, जैसे वो आए मैंने अपने डॉक्टर से कंसर्न किया जो मेरे साथ मेरे फील्ड में काम करते हैं, हम लोग साथ में मेरे काउंसलर्स हैं, मैंने सबसे डिस्कस किया कि क्या प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसकी, जो भी मैं बोला ऐसा क्यों कर रहा है आज, थोड़ा सा पागलपन था इसमें थोड़ा सा। तो डॉक्टर ने कहा है कि जो मेडिसिन आप ले रहा है उसकी वजह से प्रॉब्लम है, इसे और कुछ है नहीं। नॉर्मली मेडिसिन हम लोग बंद करते हैं, देखते हैं नॉर्मल हो जाएगा, और हमने सारी मेडिसिन स्टॉप कर दी और सिद्धार्थ नॉर्मल हो गया। फिर मैंने सिद्धार्थ से फिर बात की तो पता चला कि बहुत सारे प्रॉब्लम है। एक्चुअली जो बंदा सिद्धार्थ के मम्मी के साथ आया हुआ था मुझे लगा था कि वो सिद्धार्थ का डैडी है। फिर धीरे धीरे मुझे सारी चीज़ें पता चलने लगी कि ऐसा कुछ है ही नहीं। सिद्धार्थ से मैंने बात की, मेरी पूरी टीम सिद्धार्थ के लिए काम कर रहे थे हम लोग, कि क्या है ये, सारी चीज़ें जान ली उसकी मम्मी की तरफ से सिद्धार्थ की तरफ से। तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि कुछ गलत हो रहा है। तो सिद्धार्थ को मैंने कहा था कि आप चिंता ना करें, इस ज़रूर आपकी हेल्प की जाएगी, क्योंकि मैं किसी के दबाव के लिए काम नहीं करता हूँ। मेरा जो आज मैं काम कर रहा हूँ लोगों तक उसकी, हर एक बंदे को उसकी हेल्प मिलनी चाहिए जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है। मैंने सिद्धार्थ से बात करके फिर सिद्धार्थ से मदद की, और मुझे लगा कि उसे कुछ है ही नहीं तो मैं क्या करूँ। उसका थोड़ा सा बिहेवियर प्रॉब्लम है, जैसे उसने कहा थोड़ी देर पहले कि उसका नेचर है वैसे कि हर चीज़ ज़्यादा करना। उसने कुछ सब्सटेंस यूज़ भी किया है जो थे, उसका प्रॉब्लम हुआ है उसे उसकी लाइफ में। मेरे जब 2 साल पहले जब मैंने सब्सटेंस यूज़ किया था, मैं इतना परेशान हो गया था अपने आप से कि मैंने अपनी मदर को बोला कि मैं इतना डिस्टर्ब हूँ कि मैं मुझे से आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ। मैं कोई भी काम नॉर्मल, मैं कैरेक्टर्स भी ऐसे ही, कॉमेडी भी मेरी ऐसी ही करता हूँ जो नॉर्मल से थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कुछ अलग हो। जी प्लीज़ यही पूरी बात है आपकी। जी जी, ये जी
ये चालू तो तब से हुए हैं 2012 से, जब से मैं आया हूँ मुंबई कॉमेडी सर्कस के टाइम पे. लेकिन ये ऐसे थे कि मैं परेशान काफ़ी था, पर मेरा इस लेवल पे नहीं. अच्छा, मैं एक चीज़ बतानी बिल्कुल भूल गया. मैं जिस टाइम रिहाब से निकला, इस लड़के ने मुझको रात को घर से निकाला, मैं घर से निकला, मैं इतना वापस डिप्रेशन में गया. मैं इतना घबरा गया था क्योंकि मुझे पता था कि मैं क्लीन हूँ. मैं कितनी टाइम से, अब मैं शोज़ की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे शोज़ दोबारा आने वाले हैं, तो मैं इस बात से डर रहा था कि मेरे किसी भी चीज़ में अड़चन नहीं आनी चाहिए. मैं पुलिस स्टेशन जाके एनसी करवाया, मैंने एक इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दी कि मेरा अगर मैं कभी भी गायब होता हूँ तो इसके यही तीन जिम्मेदार होंगे और कोई नहीं होगा. मदर, मेरी मदर सुयश, और ये मेरे फादर शिरीष कुमार जो अब जो आया है. मैंने गोरेगांव वेस्ट में इंस्पेक्टर पाटिल नाम था उनका, संजय पाटिल, इंस्पेक्टर पाटिल नाम था. उनको मैंने इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दी थी और उन्होंने उस टाइम भी मुझको बोला था कि अगर सिद्धार्थ कुछ ऐसा है तो उनको बुला के अभी हम बात कर लेते हैं. मैंने कहा मैं बिल्कुल उनको पुलिस स्टेशन इन चीज़ों में नहीं घसीटना चाहता हूँ, फैमिली मैटर है, मैं चाहता हूँ मेरे पास एक सेफ्टी हो बस. मैं उनको जी 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 ये पेन तो असाइलम का जो रिहैबिलिटेशन जो पहला गया वो मेरी, क्योंकि मेरी ही रिक्वेस्ट थी मेरी मदर को. बट मुझे नहीं पता था वहाँ इतना मारा पीटा अजीब से तरीके से ट्रीट किया जाता है. खैर, तो बट मेरी वो ज़रूरत थी और मैं एक्सेप्ट करके मेरी मदर के सामने खुला बोला कि मेरे को, क्योंकि मुझे उस चीज़ से निकलना था. मैंने बोला मैम मेरे को ये मेरे बिहेवियर पैटर्न्स है, जो भी चीज़ करना एक्सट्रीम करना, तो वो मैं उस टाइम मेरे लिए सब्सटेंस यूज़ करना वो भी एक्सट्रीम हो गया, तो एडिक्टिव नेचर दिखने लगा. तो मैंने मदर को बोला मुझे निकालिए. बट उसके बाद मैं ठीक हो चुका हूँ. अब प्रॉपर्टी इश्यूज इतने बढ़ गए, लोगों का आना जाना, कोई पैसा लेके जा रहा है. ये कार्यक्रम चालू हुआ 2017 में, तो ये जो 2017 एंड दिसंबर में मेरे को दोबारा जब पिकअप किया गया, पहले मेंटल असाइलम भेजा गया. और फिर गलती से इनसे क्या हुआ मिस्टेक कि इन्होंने एक सही जगह भेज दिया मेरे को, जहाँ मेरी मेरे को सुना जाता, जहाँ पे 1,00,000 रुपए लेके मुझे साइन नहीं कराया जाएगा, जहाँ पे वो लोग कितना भी पैसा देके गलत नहीं होने देंगे मेरे साथ. एक ऐसी जगह भेज दिया जहाँ पे पैसे लेते ही नहीं है. वो लोग ऐसा काम करते हैं जहाँ पे पैसे दो नहीं दो एक बात है. अभी आपका घर है, आपके पास घर है? मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है और मुझे उसकी कोई टेंशन भी नहीं है. मेरे पास इतना इस टाइम आप लोगों ने इतना प्यार से इतना सपोर्ट किया, मेरी एक वीडियो ने और आप लोगों का इतना, मुझे कुछ और वैसे भी नहीं चाहिए. मेरे को इतना प्यार इतना मिला हुआ है, मुझे इसके अलावा कुछ चाहिए भी नहीं था. मुझे सिर्फ सुकून चाहिए था, मुझे शांति चाहिए थी जो मेरी डिस्टर्ब कर दी गई थी. नहीं नहीं नहीं, मैं एक चीज़ बहुत क्लियर बताना चाहता हूँ. शायद मेरी, मैं बींग अ चाइल्ड, मैं एक बात बोलता हूँ, मेरी मदर का मैं बेटा हूँ. बींग अ सन मैं समझता हूँ कि शायद मेरी मदर डिस्टर्ब्ड है. शायद वो जो मेरा ट्रीटमेंट करा रही है उसको ये नहीं मालूम है, वो ऑब्सेस माइंड है, थोड़ा सा ओवर पजेसिव नेचर हो गया, वो डिस्टर्ब है. वो पता नहीं अपनी किसी बेवकूफ़ी में किसी कितनी चीज़ों में मुझको उलझा रही है. शायद मैं ये समझता हूँ कि वो डिस्टर्ब्ड है. और मैं पूरी कोशिश करूँगा, मेरा अभी जो नया काम दोबारा स्टार्ट हो रहा है, मैंने दोबारा कनेक्ट किया मैनेजर्स को, और जो जो मेरा अब दोबारा काम चालू होता है, मैं दोबारा एक नई उसके साथ वापस आ रहा हूँ एक नए उसके लिए. बट मैं चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स को मैं दोबारा ले जाके उनकी काउंसलिंग, अच्छी काउंसलिंग करवाऊँ. मैं अपने आज भी मैं अपनी मदर को नहीं छोड़ सकता मैं, लेकिन एक मैं सेपरेट रहना चाहता हूँ. अब मैं नहीं चाहता, मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहता, मैं बिल्कुल अकेला. और मेरा एक बहुत प्यारा परिवार है आज, जो लोग मुझे समझते हैं या फिर मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत अच्छे मैनेजर्स, मेरे पास सब कुछ बहुत अच्छा है. मेरे चाहने वाले मेरे को इतने अच्छे मिले हैं, भगवान ने मुझे सब कुछ बहुत अच्छा दिया है. मैं इसलिए किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं करना चाहता, ना मैं अपनी सेरेनिटी ख़राब करना चाहता हूँ, ना मैं अपने कोई काम ख़राब करना चाहता हूँ. इसके लिए मुझे अपने पेरेंट्स से दूर रहना होगा. और मैं चाहता हूँ, मेरे को थोड़ी लीगल एडवाइस की ज़रूरत है. मैं चाहता हूँ मेरे को लीगल एडवाइस मिले और मैं अपने पेरेंट्स से सेपरेट रह के उनके लिए जो कुछ होगा एक डिस्टेंस से एक बाउंड्रीज के साथ मैं काम करना चाहता हूँ. आपने कहा कि जैसे प्रॉपर्टीज वगैरह सेल आउट हो गई, कितनी प्रॉपर्टीज थी मुंबई की अगर बात करें, दिल्ली की? एक्चुअली क्या होता था, आपने खरीदी जी और सबके सब पर सिग्नेचर लेके आउट हो गए जी. आपको मैं अच्छा मैं आपको अपनी एक प्रेजेंट सिचुएशन बताता हूँ. मेरे पास एक मेरा डेबिट कार्ड नहीं है, एक रुपया नहीं है, मेरा फ़ोन, मैं आपको बताता हूँ, मेरा फ़ोन नहीं है. मेरे पास कुछ सब गायब कर लिया गया है. आप मेरे को उठा के डाला तो उस वक्त सब ले लिया गया है मुझसे, और मेरे पास कुछ है ही नहीं, कुछ भी. लेकिन मतलब जो मेरा सवाल ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि
जी मेरा मैं बताता हूँ, मेरा मलाड में पहला घर था जो मैंने लिया था, बाली रेसिडेंसी बिल्डिंग में 1107 मेरा घर था। फिर मैंने घर लिया था मड रहेजा में। फिर मैंने गाड़ी खरीदी थी पेरेंट्स के लिए, फॉर्चुनर एक गाड़ी खरीदी थी। फिर मैंने अपने लिए एक BMW X6 खरीदी थी। फिर हमारे एक मैंने दिल्ली में प्लॉट ख़रीदा था पेरेंट्स को जो पैसे दिए थे। और मैं इसमें ना मेरा दिमाग में नहीं लगाता था, मैं सोचता था मेरी मदर के अलावा और कौन करेगा, और मेरा ट्रस्ट ही एक ही जगह है, मैं किसकी माँ के अलावा किस पर भरोसा करूँगा। एक्चुअली मैम मैं इतना मैंने कभी एक्चुअली मेरी मदर को मैं बताता हूँ मेरे घर में कैसा होता था। मेरे ख्याल से अंदाजन, अगर मैं अंदाजन बोलता हूँ तो मेरे ख्याल से 4-5 CR की प्रॉपर्टीज रही थी। मुझे कुछ एक्चुअली मैं बताता हूँ कैसा होता था। मेरी मदर आई, सिद्धार्थ ये साइन कर दो, साइन किया, 75 लाख कहीं डेबिट हो गए मुझे। मैंने और मेरा नेचर ऐसा है कि जब मैं किसी का होता हूँ तो मैं मेरी मदर का हूँ, मैं क्या कैसे पूछूंगा कि कहाँ डाले आपने पैसे। बीइंग अ चाइल्ड मैं मदर से ही नहीं पूछ सकता आपने क्यों। मेरी प्रॉब्लम थी कि मैं नहीं पूछूंगा, मेरी मदर है वो ठीक करेगी जो करेगी। लीगल एक्शन लेंगे, अपनी प्रॉपर्टी अपनी चीजों को वापस मांगेंगे। मेरे को इतना है कि अगर मेरी मदर के पास कुछ है कोई बात नहीं, जो है वो मेरी मदर के पास रहे, लेकिन अगर वो सुयश गाडगिल इसमें इन्वॉल्व है तो मैं चाहता हूँ मेरे जो भी मिलता है वो भी मेरे पेरेंट्स को दे दिया जाए। मेरे को किसी से कुछ अब दोबारा नहीं चाहिए। मैं हर बार एक्चुअली मेरा नेचर ऐसा है, मैं 3-4 बार गिरा हूँ, मैं हर बार जीरो से शुरू करता हूँ, मैं हर बार उठता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास आज दोबारा मैं अपने आश्रम से कनेक्ट हो गया हूँ, मेरे अच्छे लोगों से कनेक्ट हो गया हूँ, मैं आज वापस अपने लोगों के पास जाके इतनी बात आज आप लोगों से शेयर कर पा रहा हूँ। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, मैं दोबारा लाइफ शुरू करूंगा। मुझे एक सुकून चाहिए, मुझे अकेला, मेरे को मेरे पेरेंट्स के साथ कनेक्शन ऐसा नहीं चाहिए दोबारा। जो भी है वो मुझे कभी भी कांटेक्ट करेंगे तो मेरे मैनेजर के थ्रू मैं उनको जो पैसे चाहिए होंगे, जो उनका मंथली फिक्स होगा, मैं वो कर दूंगा। मुझे एक सेपरेट लाइफ चाहिए। मैं परेशान हूँ, मैं अपने डिस्ट्रक्शन जो मचा, जो मैं फिजिकली मेंटली इमोशनली जो मैं डिस्टर्बेंस झेले हैं, मैं नहीं झेलना चाहता। मैं हाँ नहीं मैं सर के पास ही रह रहा हूँ, बिकॉज मेरे को मैंने वो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इसलिए कराई थी, मुझे इस बात का डर था कि मुझे उठाया जाएगा। मैं इनके पास इतना सेफ हूँ कि मेरे को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, बिकॉज उनका काम भी ऐसा है, लीगली भी वो उनके पास ये राइट्स हैं। और मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मुझे समझा जाता है, मेरी क्रिएटिविटी डिस्टर्ब नहीं की जाती, मुझे मेरी चीज़ों के बारे में समझाया जाता है। और लीगल एक्शन तो अभी तक सोचा नहीं है ऐसा कुछ, क्योंकि स्टिल बातें अभी तक रुकी हुई है। मैं भी वेट कर रहा हूँ कि कुछ एक्शन हो तो मैं रिएक्शन दूँ, कुछ रिएक्शन करें, कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं आज भी। मैं क्योंकि आज भी सिचुएशन ऐसी है कि मेरी मदर से 3 दिन पहले मुलाकात हुई, मैंने किसी को नहीं बताया था मैं कहाँ हूँ। इवन निकी का फोन आ रहा था, आप लोग का फोन आ रहा था, मैं किसी का फोन ही नहीं उठा रहा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था पता नहीं कौन क्या कर रहा है। फिर मैंने अपने मदर से मुलाकात की, उस दौरान वो आया और हमारे बीच फिर लड़ाई हुई। तो मेरे को ये समझ आ रहा था कि नहीं होगा कुछ, ठीक सॉल्व होने वाला मैटर नहीं है। और मेरे को आज भी ये लगता है, आज भी शायद मेरा ये, मुझे नहीं पता मैं सही हूँ या गलत, पर मेरा दिल कहता है कि मैं आज भी मेरी मदर की एक बार काउंसलिंग की ज़रूरत है। उनके एक्सप्रेशन अजीब से हुए हैं, वो पैसों को लेके कुछ अजीब हरकतें कर रही हैं और उनको ज़रूरत है थोड़े दिन की शांति, थोड़े दिन का सुकून, चुपचाप बैठना, घूमना, आराम, इसकी ज़रूरत है। वो इधर से हिल और उनका जो डिस्टर्बेंस है वो मेरे ऊपर इफेक्ट आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो इंसान इसमें इन्वॉल्व है वो मेरे घर से अलग हो। अब या तो मेरी फैमिली से मैं सेपरेट हूँ, तो अब जो जैसे रहना चाहता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मेरी मेन बात ये है। मैं बताता हूँ ये क्यों डाली है। जिस टाइम मैं मैनेजर्स के साथ था तो उन्होंने मेरे बहुत बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिसमें से सोमी सक्सेना और मेरे करीब टोनी कक्कड़, हिमानी कपूर जो मेरे मैनेजर्स हैं,
वो लोग आसपास इतना जानते थे कि मेरे साथ क्या चालू है, तो कभी कभी मैं मिलता था, सबसे मिलता था। तो मैंने एक फॉर्म, मैंने अपने मैनेजर को बोला था कि आप अगर मैं गायब होता हूँ तो मेरी न्यूज़ स्प्रेड करवा देना। और वो हुआ, एक महीना मैं नहीं मिला, दो नहीं मिला, तीन महीना, वो भी इतने परेशान थे कि सिद्धार्थ, उन्होंने पास मैसेजेस आए कि आपके शोज़ कैंसिल हुए हैं सिद्धार्थ कितने। मैंने कहा मुझे इस चीज़ को फटाफट जितनी जल्दी मीडिया में डाल सकते हैं, मुझे मीडिया की भी हेल्प चाहिए, मेरे फैंस जो लोग मेरी मदद कर रहे हैं, मैं पहले तो सबसे ज़्यादा ग्रेटिट्यूड मेरी, क्योंकि मैं बहुत अकेला पड़ गया था, बीइंग कहीं ना कहीं मैं भी आइसोलेट हो गया था, क्योंकि मैं अकेला रहना चाहता, मुझे लगता था मैं बात किसी को बोलना नहीं चाहता। मेरे 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 फोरम मतलब उन लोगों ने काफ़ी लोगों को और भी बताया था, जिसमें सबसे एक्टिव सबसे पहला रिपोर्ट शायद सोमी सक्सेना ने दी। आपके मॉम ने पता है क्या कहा है? जी, उनका कहना ये है कि वो कोई इवेंट के पैसे निकालना चाहते थे, 25,000 पर इस चीज़ का। जी, मैं आपको ये चीज़ क्लियर करता हूँ, सर के सामने फोन आया, मेरी मदर से मेरी मुलाकात हुई, बोली तुमने ड्रग्स किए थे। मैंने कहा किसने आपको ये रिपोर्ट दी थी? कहती परीक्षित ने। मैंने कहा ठीक है, तो मैं कॉल लगाता हूँ। मैंने सर के सामने कॉल लगा दिया, कॉल लगाया, मैंने उससे बात की, परीक्षित मैं सिद्धार्थ सागर बोल रहा हूँ। अब वो कन्वर्सेशन अब रिकॉर्डिंग है, जिसमें वो बोलता है कि हाँ, मैंने सारी बात हो रही है कि मैं पूछता हूँ कहाँ से क्या कब लिए मैंने आपसे पैसे, कहाँ लिए पैसे, क्या पैसे, मैंने आपसे कोई अग्रीमेंट साइन किया, मैंने कुछ किया, मैं कितना अमाउंट लिया? कहता 25,000। मैंने कहा मैं एक शो का तो इतना अमाउंट चार्ज करता हूँ, 25,000 तो मैंने एडवांस भी नहीं पकड़ता। थोड़ी देर बाद बोला नहीं नहीं भाई, एक्चुअली मैंने नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मैंने जो गलत बोला वो वहाँ बोला। और मैंने मदर को बोला कि आपके अजम्पशन के चक्कर में मैं आज तक पिस रहा हूँ, आपकी एक गलती के चक्कर में मेरे काम खराब हो रहे हैं, मेरे रिलेशंस खराब हो रहे हैं, मेरा मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं परेशान हो गया। कोई जवाब नहीं होता। एक्चुअली क्या है, मेरे पेरेंट्स से जब मैं कोई सवाल पूछता हूँ, ये बशीर सर ने, और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ ऐसा, मैं तो एक ऐसा था कि इनके पास, इन्होंने केस मेरा पहले मना कर दिया कि बहुत पैसा का चक्कर होगा, इन पे भी बात आएगी, लेकिन इन्होंने सर को बोला था। हाँ, पहले मैंने सर को फोन करके बोला था, यही जब मैं इनको उठाने के लिए मैं ही गया था दूसरी जगह से, मैंने सर को वहाँ से कॉल किया था कि सर ऐसा ऐसा है, बहुत अलग ही लग रहा है मैटर, ये मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए। और सर ने बोला कि छोड़ो, आप उसको लेके आओ, आप उसको लेके आओ, देखते हैं यहाँ आने, यहाँ लेके आओ पहले, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं, पहले देखेंगे मैटर को क्या है क्या नहीं सर के। और वहाँ तो बहुत काफ़ी देर तक का तो बहुत कुछ हुआ, झगड़ा हुआ, बहुत गाली गलौज भी हुई वहाँ पे, वो खड़ा होके बाहर गालियाँ दे रहा था, ये सर देख रहे थे। ऐसा था कि वो हाथाभाई पे भी आ सकते थे लोग, पर लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, चलते रहा चलते रहा। सारी चीज़ें ऐसी मुझे भी लगी है कि अब तक, जैसे आपने पूछा कि लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया जाता जा रहा है हमारे तरफ, मैं क्योंकि उनकी मम्मी ने आज तक मैं जो बोल रहा हूँ उन्होंने माना है, उन्होंने मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ उन्होंने माना है। बस एक लास्ट जो एक पोस्ट डाला है सिद्धार्थ ने, वहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ सीन क्या डाला? जो मैंने लास्ट पोस्ट डाला था कि हाँ, उसके मॉम का रिएक्शन ज़्यादा आ गए, और मेरी मदर जितनी डिस्टर्ब थी उन्होंने उसमें बहुत रिएक्ट कर दिया, तहलका मचा रही है वहाँ पे। और मेरी मदर्स को, मेरी मदर को सर से जब बात हुई, वो इन पे भी रिएक्ट हो रही हैं, इधर भी रिएक्ट हो रही हैं। एक्चुअली उनको ये समझ नहीं आ रहा है जो उनके अंदर प्रॉब्लम आ रही है उसके चक्कर में मैं सफ़र कर रहा हूँ, या तो उनको ट्रीटमेंट करवाना होगा थोड़े दिन के लिए, बिकॉज वो सर हाइप, वो कैसे एक्सप्रेशन है मेरी मदर क्या, हाइपर फेज है उनका, वो अजीब सा बिहेव करती हैं, समझ इतनी नहीं है कि वो क्या बोल रही है, क्या होगा इसके बाद उन्हें नहीं पता, वो अवेयर ही नहीं होती। कब तक रखेंगे आप सिद्धार्थ को अपने पास? आप तो मैं ही इनके पास, इंडस्ट्री को जरूरत है तुम्हारी सिद्धार्थ, मैं बिल्कुल, मैं आप बात कर रहे हो, आई डोंट नो, मतलब मैं आपकी बहुत बड़ी फैन भी नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं कहूंगी, लेकिन नहीं टू बी वेरी, अच्छा बट यू नो व्हाट, आई कांट सी यू लाइक दिस, यू आर सच अ टैलेंटेड पर्सन, यू नो। मेरा सवाल बशीर जी से कि कब तक आप, मैं आपको मैं बताता हूं, मैं चुप नहीं छुप रहा हूँ, मैं एक्चुअली बताऊँ, मैंने काम के लिए सब बोल दिया, अपने मैनेजर को फ़ोन किया, मैंने बोला जो कुछ है सारा पकड़ो, कोई टेंशन नहीं, दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो उसने आज काफ़ी लोगों को कनेक्ट किया दोबारा, मैं मुझे यहाँ पे इन्होंने अंदर नहीं रखा हुआ है, मैं बताता हूँ। मैंने सर को बोला है कि सर मुझे एक शील्ड चाहिए, जो मैं पिछले 3-4 साल से परेशान हूँ, मुझे आज शायद इनको ज़रूरत नहीं मुझे रखने की, और मुझे इनकी ज़रूरत है, मैं अथॉरिटी इनको दे रहा हूँ। और मैं वहाँ रह, कहते हैं ना कि मैं ऐसा रिहैबिलिटेशन सेंटर की तरह वहाँ नहीं रहता हूँ, मैं वहाँ ऐसे रहता हूँ कि मेरे को आज काम भी करने को मिलता है, और
कहीं ना कहीं मेरे को एक शील्ड चाहिए मेरे, मैं जानता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं आज भी चीज़ों से, सुयश जो लड़का है ये मेरे को बताता है कि मैं डोंबिवली का ऐसा था, मेरा गुंडा था, मैं भाई था, क्या फायदा है मेरे को, क्या मेरे को तुम क्या करोगे बता जी, हमें ये जी। कौन सा शो करने वाले, कब जल्द नजर आने वाले टेलीविजन? अब मैं बताऊं, अभी मैं आपको जल्द जैसे इंस्टा पे अपडेट देता हूं, मैं एक फटाफट एक अच्छा सा अपडेट दूंगा। हालांकि मैंने नए शो के कुछ एक आधे पोस्ट डाले थे जो सेट किए और इसके, बट दोबारा करता हूं मैं। और एक पहले तो सबसे पहले आप सबका धन्यवाद, आप लोग आए, मेरे को बहुत ग्रैटिट्यूड, और सभी लोगों ने जितने इतने अच्छे अच्छे मैसेज कर दिए, हम आपके साथ हैं, वो देख के मैं दोबारा ज़िंदा हो गया। मैं कहा यार नहीं सिद्धार्थ, अभी नहीं है, अभी कुछ ख़त्म नहीं है, अभी बहुत कुछ है बाकी। मैं लास्ट हम चाहेंगे कि आगे से आप सब्सटेंस या बिल्कुल नहीं, ये प्रॉमिस करके जाओ कैमरे। नहीं नहीं मैं तो आशा की किरण में पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं मैं आपको बताता हूँ मैम, मैं आपको बताता हूँ, मैं जिस सब्सटेंस के टाइम पे था, मैं खुद उस, मैंने वो उसका जो एक्शन है वो पहले मैंने लिया है, मेरे पेरेंट्स को नहीं मालूम था कि मैं क्या करता हूँ। बाइपोलर वगैरह कुछ अब सब बंद जी? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है सिद्धार्थ सिद्धार्थ, इस वक्त तो अभी बिल्कुल ठीक है, इतना भी ठीक नहीं है, लेकिन वो सेफ नहीं है बाहर जाने के लिए, वो इसीलिए आज मेरे साथ है। और उसने वादा किया है मुझसे कि वो मेरे साथ रहेगा, काम करेगा फिर से, आज जो मेरा घर है वो सिद्धार्थ का घर है। बट ही इज नॉट अभी प्रॉपर 100% फिट नहीं है ना? हाँ, काम कर सकता है 100% फिट। बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूँ, एक थोड़ी सी ब्रीफ क्या है कि जो एडिक्टिव है वो नेचर है मेरा, मेरा मेरे बिहेवियर और जो पैटर्न्स होते हैं वो एक एडिक्ट का पैटर्न होता है। जैसे कि मैं जो भी करूँगा एक्सट्रीम करूँगा, बस वही है उन पे। वो कई बार ये होता है कि हम लोग कुछ चीज़ समझते हैं अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, बस यही है प्रोग्राम। बस आज उसे रोकने के लिए कोई चाहिए साथ में, हम लोग हैं साथ में, बहुत सारे लोग हैं। और मैं काफ़ी टाइम से क्लीन हूँ, और पहले आप सबका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एडिक्ट को एडिक्शन की तरफ भागने के लिए टाइम नहीं लगता है। क्या बात कर रहे हैं जी, तो इसके लिए है, और हम लोग वो हैं इधर से मैं और पिछले और अब सही हो जाओ फटाफट। मैं बता रहा हूँ ना, मैं सही तो 1.5 साल से हूँ, मेरे सर के जो इश्यूज बताए गए थे वो थे ही नहीं। सर को बताया गया था कि इसको बाइपोलर है, ये एडिक्शन में है, ना मैं एडिक्शन में था ना मुझे बाइपोलर था, मेरी प्रॉपर्टीज के इशू थे, ये सर को पता चले बाद में जब इन्होंने मेरी काउंसलिंग की और उधर मैटर्स पता चले। खैर आज सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मैं पहले बस ये है कि मैं बहुत खुश हूँ, और मेरे पास मेरे को आ भी नहीं रहा एक्सप्रेस करना। मैं आज जब फैंस के वो देख रहा था कमेंट्स, मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर, अभी भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। मैं फीलिंग लाइवली, मैं बहुत लाइवली फील कर रहा हूँ मैं वापस, एंड मैं आप सच में आई नो बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर हमारे साथ जो काम करते हैं, जो ठीक हुए हैं, छोड़ने वाले सीन ही नहीं, ये लाइफ लॉन्ग है मेरे साथ शील्ड मेरा। हाँ मैं बहुत, हाँ मैं अंदर नहीं हूँ, मैं पूरी तरह सर के साथ रहता हूँ। पनवेल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपने स्टाइल में एक नमूना थोड़ा सा रवि किशन कर देते हैं, थोड़ा सा सलमान सर भी बाकी रह गए हैं, काफी टाइम से किए भी नहीं। रवि किशन बाबू जिंदगी झंड अद्भुत हो, पर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वापस आ गया हूँ, थोड़ा बहुत वो भी बाकी है। अकल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का इंतजार क्यों कर रहे थे तुम?